नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में खुशहाल्स होम गार्डनिंग। और अभी आप अपने सामने देख रहे हैं, ये एक चंपा का पौधा है जिसको इंग्लिश में प्लूमेरिया प्लांट कहा जाता है। और देखने में काफ़ी सुंदर होता है, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। और इस पे जो इसके जो फ्लावर हैं काफ़ी देखने में खूबसूरत होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, चंपा या प्लूमेरिया में काफ़ी सारी वैरायटी पाई जाती है, काफ़ी सारे प्लांट इसकी वैरायटी आते हैं, अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स आते हैं। आज इसकी मैं कुछ आपको जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, किस तरह का इसको मौसम पसंद है, तो इसको कब लगाइए। तो देखिए दोस्तों, बताना चाहूँगा जो प्लूमेरिया प्लांट है, ये आपका मैक्सिको और अपना ब्राज़ील और नॉर्थ अमेरिका का वहाँ का नेटिव प्लांट है ये, ठीक है। ये इंडिया का प्लांट नहीं है वैसे तो। और अभी आपने अगर जो लोग दिल्ली से हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो दिल्ली के आसपास से भी हैं, तो आपने देखा होगा ये रोड साइड काफ़ी जगह देखा होगा आपने लगा होगा। तो भारत सरकार अभी इस वक्त इस पौधे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। ये पौधा आपको काफ़ी जगह आपको देखने को मिल जाएगा लगा हुआ। और इसके अंदर काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती है, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए, जब भी आप इसके आसपास से निकलेंगे तो आपको काफ़ी धीमी धीमी खुशबू आएगी, फील होगा ऐसा। और काफ़ी प्यारा पौधा है। और इसमें जो फ्लावर होते हैं काफ़ी अलग अलग कलर के आते हैं, रेड में आता है, गोल्डन में आता है, इसको गोल्डन प्लूमेरिया कहते हैं इसको। अभी तो दोस्तों बात करना चाहूँगा इसको किस तरह का सीज़न पसंद है। देखो बताना चाहूँगा दोस्तों, इसको गर्मी बहुत पसंद है, ठीक है। अगर आप इसको बात करें समर की, तो जब समर में आपका 45 डिग्री 40 डिग्री के आसपास अपना जब मौसम चल रहा होता है, तो इसको काफ़ी गर्मी इसको पसंद होती है। जैसे रफ एंड टफ प्लांटों में आता है, और इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता, वाटरिंग ज़्यादा पसंद नहीं होती है, जैसे आप कह सकते हैं अडेनियम के पौधे के साथ होता है, उसी तरीके से इसको मान के चलिए। और जो इसकी जो अगर मैं सोइल की बात करूँ, तो इसको रेतीली मिट्टी को काफ़ी पसंद होती है, काफ़ी जो सॉइल जो होती है आपकी रेतीली रिवर सैंड की टाइप की जो होती है आपकी, उस तरह की इसकी जो है बालू रेत की तरह उसकी मिट्टी को काफ़ी पसंद होती है। और अगर आप इसको चिकनी मिट्टी में लगा रहे हैं, तो चिकनी मिट्टी में क्या होगा ना, उसमें क्या होगा, मॉइस्चराइज़र खड़ा रहेगा, पानी उसमें आपका निकल जाएगा, ड्रेन तो हो जाएगा, निकल जाएगा, बट आपने देखा होगा जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें मिट्टी गीली रह जाती है, तो उस तरीके से सॉइल पसंद नहीं होती है। बाकी इसके लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इसकी ईजिली आप इसको कटिंग भी लगा सकते हैं। और इसका कटिंग लगाने का तरीका इसका बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना क्या है, जो ये देखिए मैंने भी ये कटिंग से ही तैयार किया था पौधा, ये देखिए। तो करना क्या है, जहाँ भी आपको ये रोड साइड पौधा दिखे, मैं इसको 2 या 3 महीने पहले लेके आ गया था अपने पास, तो आप इसकी ईज़िली कटिंग कर लीजिए अच्छे से स्टेम की देख के। और इसको कटिंग करने के बाद इसका जो उसमें वाइट कलर का लिक्विड टाइप का निकल रहा होगा, तो एक साथ उसको, ये नहीं कि इसको लाते ही लगाना है, थोड़ा सा उसको रखना है, सुखाना है इसको थोड़ा सा, और फिर ईज़िली इसको रेतीली मिट्टी के अंदर इसको लगाना है। और 1-2 महीने में इसमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं और ईज़िली अपना ही चलने लग जाता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये पौधा। और बात करूँ मैं इसकी लाइफ की, कितना लंबा चलता है, तो देखिए दोस्तों इसकी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी है। ये इजीली आपके पास, अगर पॉट में बात करूँ तो पॉट में तो इजीली 8-10 साल बड़े आराम से रह लेगा, कोई इशू नहीं आएगा, बस आपको पॉट चेंज करने होंगे धीरे धीरे। और बात करूँ अगर मैं इसके वेराइटीज़ की और इसकी प्राइस की, तो देखिए इसके काफ़ी सारी वैरायटी आपको नर्सरी के अंदर मिल जाएगी। और इसका जो प्राइस है, इसका आपको प्राइस 100 से 150 तक मिल जाएगा, 100-150 के तक आपको हो जाएगा, 100 से 150 रुपये तक का इसका प्राइस नर्सरी के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर आप दिल्ली से हैं और आपको रोड साइड आपको ये पौधा मिल जाता है कहीं से, तो आप चाहे तो ईज़िली इसको लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं अपने घर के अंदर, और ये ईज़िली ग्रो हो जाता है। ये देखिए कितना प्यारा प्लांट है।
और दोस्तों प्लूमेरिया प्लांट के अंदर ये खासियत है, जैसे अब अपना एडेनियम का पौधा होता है उसकी बिल्कुल भी आपकी देख रेख ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लूमेरिया के साथ यही है कि अगर आपको कहीं जाना है तो इसकी वाटरिंग की चिंता नहीं होती है, ये इजीली अपना रह जाता है। इसको 10 दिन में 8 दिन में एक बार पानी दे दीजिए, इसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता है ये। और वाटरिंग जब करें तो एक बार अच्छे से वाटरिंग करनी है इसकी, उसके बाद ये इजीली अपना थोड़ा ड्राई मिट्टी में सॉइल में रहना पसंद करता है, ये देखिए। और इसके जो कलर होते हैं, देखिए इसके जो लीव्स देख रहे हैं, इसके लीव्स के जो मैं दिखाता हूँ आपको, नट रुकी, ये देख रहे हैं इसके लीव्स पे, देखिए आपको थोड़ा येलो येलो सा दिखेगा, तो उस तरीके से पत्तियाँ होती है उस तरीके से इसका कलर भी निकल कर आता है फूलों का। तो अगर आपको यहाँ पे रेडिश रेडिश सा दिखता है तो उस पत्तियों से भी पता लगा सकते हैं कि आपका जो फ्लावर होगा वो रेडिश कलर का टाइप का होगा। तो थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है इसमें आपका फ्लावर के अंदर कि आपके प्लांट के ऊपर किस तरह का फ्लावर आएगा। और इसमें अभी एक कली और बन रही है फ्लावर की, जो कि जल्दी ही इसमें फूल खिल जाएगा इसके अंदर। तो कैसा लगा वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको इसी तरीके से यहाँ पे वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे आपसे।